What's up viewers, मैं हूं अबूमर और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मारुति की इकलौती जो मार्केट में वैन बची है इको स्टार। सबसे पहले देखते हैं इसकी की, ये है इसकी की, आपको नॉर्मल की मिल जाती है, इस पर कोई रिमोट वाला सिस्टम इस पर नहीं है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पे, तो ये है इसकी लाइट्स, इसमें आप देख सकते हैं येलो लाइट्स हैं और बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बीच में आपको सिंपल सी ग्रिल मिल जाती है, बीच में मारुति का लोगो है, नीचे एयर इनटेक का स्पेस है, यहाँ फॉग लैंप आपको नहीं मिलता है पर उसके लिए स्पेस दी गई है। अब यहाँ इसके फ्रंट पे देखें तो फ्रंट में आपको बोनट काफ़ी छोटा लग रहा होगा क्योंकि इसका इंजन यहाँ बोनट पे नीचे नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे वाइपर्स, और अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, तो ऐसा कुछ है ये हमारी साइड प्रोफाइल। कार डिज़ाइन में ठीक ठाक लगती है, और यहाँ पर ये है हमारे टर्न इंडिकेटर्स जो कि आप फेंडर में मिलते हैं। नीचे ये है हमारे टायर जो आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। अब इनकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको 13 इंचेस के स्टील रिम्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पर आप देख रहे ये हमारे ORVMs जो कि आपको ब्लैक में मिलते हैं, और नीचे आपको साइड स्टेपर मिल जाता है जो कि शायद एक एसेसरी के पार्ट है। ये हमारी फ्यूल लिड, इसको आपको मैनुअली ओपन करना पड़ता है। अब आते हैं इसके साइड पर, तो ये हमारे स्लाइडिंग डोर्स आपको हर वैन में जो मिलते हैं। यहाँ पर ये इको स्टार की बैजिंग मिल जाती है, ये स्टिकर आई थिंक सो एसेसरी के पार्ट है। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल, ये इसकी रियर प्रोफाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो है, नीचे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है, इको की बैजिंग है, मारुति सुजुकी की बैजिंग है, यहाँ पर स्टार इको की बैजिंग है। और इसकी लाइट्स देखो, ये हमारी सारी लाइट्स आपको इसमें बल्ब मिलता है, LED लाइट्स नहीं मिलती है। नीचे आपको अपना बूट ओपन करना पड़ता है मैनुअली, ये देख लीजिए आपको इतनी बूट स्पेस मिल जाती है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कितनी लेटेस्ट की बूट स्पेस है। अब इसको हम कर लेते हैं बंद, और आप ऐसे मैनुअली क्लोज कर सकते हैं इसको। वहीं ऊपर आपको यहाँ ब्रेक लाइट मिल जाती है टॉप पे, नीचे आपको ये 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। मारुति इसको भी नहीं देती अगर गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी नहीं करती। यहाँ पर आपको साइलेंसर। अब चल लेते हैं हम कार के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेस। अभी कार लॉक है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। कार को कर लेते हैं हम अनलॉक, और ऐसे आप अपने स्लाइडिंग डोर्स ओपन कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े से डोर्स लगते हैं, इसमें आपको 5 और 7 सीटर दोनों का सीटिंग ऑप्शन है। ये 5 सीटर वेरियंट आप देख रहे हैं। अब देख लेते हैं इसकी स्पेस, तो इसमें आपको लेग रूम नी रूम अच्छा मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैग करता है पर स्पेस अच्छी मिलती है आपको। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी विंडो अप डाउन कर सकते हैं, इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है। विंडो इसकी काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी एयरी फील होती है, पर ये मैनुअल है, पावर विंडो आपको इसमें नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं सामान रखने के लिए। ऐसा कुछ है हमारा फ्रंट डैशबोर्ड जो काफ़ी ठीक ठाक दिखता है देखने में। और अब चल लेते हैं हम फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ और अपनी ड्राइवर सीट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये हमारा ड्राइवर साइड डोर जिसमें आपको सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा मिलता है। अब चलते हैं अंदर और लगाते हैं इसमें इसकी की। यहाँ से आपको की लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट स्टॉप तो आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसा कुछ है हमारा इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल मीटर मिल जाता है, और कुछ थोड़े बहुत सिग्नल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप हैजर्ड लाइट जला सकते हैं। ये हमारे AC के वेंट्स हैं, 4 AC के वेंट आपको फ्रंट में मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, और ये AC कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर आपको छोटे से स्टीरियो मिल जाता है जो कि शायद एक एसेसरी पार्ट है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट की स्पेस मिल जाता है, और थोड़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस आपको कार में मिल जाती है। ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सन वाइज़र है। यहाँ पर ये आपको सन वाइज़र मिल जाते हैं जिसमें मिरर टिकट होल्डर कुछ नहीं, ऊपर लाइट्स हैं, ORVM है जो कि टोटली मैनुअल है। और अब हम खोल लेते हैं इसका हुड और मैं आपको दिखा देता हूँ उसके हुड में आपको क्या मिलता है। तो ये है इसका हुड जिसमें आपको कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, वाइपर वॉशर का पानी रख सकते हैं आप इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें 1196 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 61 bhp ऑफ पावर और 85 Nm का टॉर्क। तो ये थी हमारी मारुति की मिनी वैन की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।